सिंगरौली से बड़ी खबर, आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। ग्राम सोहरा में एक घर में छापेमारी कर 2.5 लाख से अधिक की देसी विदेशी शराब जब्त। जिला आबकारी अधिकारी अनिल जैन की मौजूदगी में बड़ी कार्रवाई। लॉकडाउन के दौरान शहर में अवैध शराब का कारोबार करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 120 पेटी अवैध शराब जब्त की गई है, जिसकी कीमत 2,50,000 रुपये बताई जा रही है। आबकारी अधिकारी अनिल जैन के अनुसार अवैध शराब की सूचना पर आबकारी विभाग ने 2 टीम बनाकर सुहिरा गांव में एक स्थान पर दबिश दी। कार्रवाई के दौरान मौके से एक आरोपी को पकड़ा, जिसके पास से 120 पेटी देसी व अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। आरोपी ने अपने घर के पीछे बने शासकीय शौचालय के सेप्टिक टैंक में अवैध शराब छुपा कर रखी थी। धंधे के आरोपित संतोष बिंद गांव सुहिरा का रहने वाला है और लंबे समय से अवैध शराब के कारोबार में लिप्त था। बाइट आबकारी अधिकारी अनिल जैन। पकड़ाई गई है सर, कहां से पकड़ाई गई और कितनी मात्रा में पकड़ाई गई? आज सुबह सिंगरौली जिले में सुहिरा ग्राम पंचायत में आबकारी विभाग की टीम के द्वारा एक बड़ा जखीरा शराब का पकड़ा गया। 120 पेटी से अधिक शराब पकड़ी गई है। शराब में देसी और विदेशी दोनों प्रकार ही शामिल हैं। लगभग 2.5 लाख से अधिक की कीमत इसकी आंकी गई है। ये कहाँ रखा गया है? आरोपी के द्वारा शराब को घर के पीछे बने टैंक में रखा गया था। क्या आरोपी के खिलाफ सर पहले भी कई मामले दर्ज हैं? आरोपी के द्वारा कई छोटे प्रकरण पहले से दर्ज हैं, लेकिन इतना बड़ा प्रकरण ये पहली बार प्रकाश में आया।